नमस्कार दोस्तों, खबर टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, तब से ही सीएम योगी बड़े और कड़े फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। फिर चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड हो या फिर अपराधियों और अराजक तत्वों पर खुली नकेल कसना हो, हर फैसलों पर वो बेबाकी से काम किया गया और प्रदेश में शांति का माहौल बनाने के लिए इस पर जोर भी दिया गया है। प्रदेश में अगर हम बात करें सरकारी नौकरियों की, हालत नाजुक बनी हुई है और जो पहले से ही अपने अपनी कुर्सी पर विराजमान हैं, वो ना तो अपना काम सही से कर रहे हैं और ना ही अपने पद का सही उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते सरकारी महकमे पर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। जिसके चलते अब सूत्रों की माने तो ये खबर आ रही है कि योगी सरकार अब सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत ग्रुप ख और ग की भर्तियों में चयन के बाद 5 साल तक संविदा कर्मचारी के तौर पर काम करना होगा। साथ ही इस दौरान हर 6 महीने में कर्मचारी के काम को लेकर मूल्यांकन किया जाएगा और 1 साल में 60% से कम अंक पाने वाले कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब अगर हम साफ शब्दों में कहें तो 5 साल बाद उन्हीं कर्मचारी को नियमित सेवा में रखा जाएगा जिन्हें 60% या उससे अधिक अंक मिलेंगे। वहीं इस दौरान कर्मचारियों को नियमित सेवकों की तरह मिलने वाले सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। इस खबर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है, विरोधियों के पास कोई काम नहीं है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। योगी सरकार ये फैसला लागू करती है तो इसका विरोध होना तय माना जा रहा है। इसका सीधा असर 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहे खबर टुडे इंडिया के साथ। धन्यवाद।